हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज का ब्लॉग बहुत ही खास है। आज मैं गोवा से आने पहली बार मैं जा रही हूँ नानी के घर, तो यहाँ पे मैं आटा को सान रही हूँ और ना ये मुझे तंग कर देता है, मुझे पानी तक नहीं दे रहा, तो मैंने ऐसे कैसे भी करके आटा सान लिया है अच्छी तरह से। आप छोटा पर चलते घर का काम करनी, यहाँ पर खाना चल रहा है, हम यहाँ पर बर्तन ले लेते हैं जिससे कि आटा थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएगा जब तक हम पूरा घर का काम करेंगे। इसको मैंने ढक दिया है अच्छी तरह से। हम देखते कौन कौन काम है, वो फटाफट करके हाथ धो लेते हैं अपना। हाथ मेरा बहुत गंदा है, तो आप सोच रही थी कि हम हाथ तो धो लिया है, अब बाहर में झाड़ू लगाया जाए। वो मैंने कल लगाया था पर ना उतना अच्छा नहीं लगा था, तो सोच रही थी बाहर में झाड़ू लगाया था, चलो तो चलते हैं बाहर में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर मैं गेट खोल रही हूँ, देखिए अब चलते हैं झाड़ू में, देख सकते कितना सारा गंदा है। कल मैंने शाम को झाड़ू नहीं लगाया था ना, इसलिए इतना गंदा हो गया है। मैंने झाड़ू मार लिया है अच्छी तरह से। अब वो देखते हैं बस, अब ना सोच रही थी कपड़ा धोया जाए। यहाँ पर मैंने ब्रश ले लिया है मुंह धोने के लिए अपना, तो अब सोच रही थी अब रोटी बनाया जाए। देखिए यहाँ पे ब्रश करने का रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे आटा ना गिल्ला हो गया था, बहुत गिल्ला हो गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि गिल्ला होगा आटा सानने का, तो थोड़ा गिल्ला फील हो रहा था। तो सोच रही थी कि आटा को डाल के ना थोड़ा इसको मतलब गूंद लिया जाए तो छिलते हैं, तो भी लग रहा गिला। तो यहाँ पे ये मैंने एक गोली लोई ले ली है और इसे बेल के डालते हैं इस पर। दोस्तों ना जैसे मैंने डाला तो मुझे लग रहा था कि और भी गिला, तो इसे सान लेते हैं अच्छी तरह से और आटा डाल के मसल के। तो अब इसे ये अब अच्छी तरह से आटा रेडी रोटी बनाने के लिए लाइक हो गया है। हल्का से सूखा आटा डाल के और थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। तो अब रोटी बना लेते हैं, उसके बाद और कुछ करेंगे। रोटी बना ली है अब और घर का काम भी कर लिए हैं अच्छी तरह से, बस नहाना है और खाना है। तो यहाँ पर मैंने तो पूरे घर को मैं दिखाती हूँ, मैंने पूरा घर काम कर लिया। ये देखिए पोछा भी लगा लिया है, इधर का भी लगा लिया पोछा, फटाफट नहा के आ जाएंगे, रेडी हो जाते हैं। और ये पूरा मैंने एक किचन का लुक है देखिए। और अच्छे खाने में बना है क्या रोटी, और ये है करेले की भुजिया। मुझे करेला पसंद नहीं पर आज अच्छा बना था गाइस। ये देखिए करेला का भुजिया है ये, और इसमें दाल है और नीचे वाले में चावल है। तो चलते हैं आप फटाफट नहाएंगे। और मैं नहा के तो आ चुकी हूँ और मेरे मुंह पर सीना ऐसे लगा, सोचते हो बाल को कॉन्ग किया जाए। फटाफट पहले बाल को कॉन्ग कर लेंगे। कॉन्ग करने के बाद मैंने खाना तो खा लिया है और रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो सब आंटी भी तैयार रेडी हो रही है जाने के लिए और मैं भी रेडी हूँ। और मैंने ब्लैक पहना है, तो मेरा ब्लैक फेवरेट है। हम आ चुके हैं फाइनली नानी के घर, बहुत एक घंटा दो घंटा हो गया होगा बैठे हुए। आज ही यही रही ब्लॉग, और ये देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे। आज ही यही रही ब्लॉग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।